हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार्ट इंग्लिश। मेरा नाम संतोष कुमार है। रुकिए 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 रुकिए, पहले आपको ना इस वीडियो को, इससे पहले कि आप सेंटेंस को देखें, कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करें। यकीन मानिए, जो पढ़े हो थोड़े बहुत इसको, इस वर्ड को, श्योर को पढ़े होंगे, उनको उनके लिए तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं, यकीन मानिए, ये आपको ना, जब तक आप मेरे हर एक वर्ड को आप नहीं सुनिएगा ना, ये वर्ड तो क्लियर नहीं होगा। जब मैंने पढ़ा था, कई बार मैंने कोशिश किया था, जब मैंने पूरा पूरा क्लास जब तक इस पूरा समझे नहीं थे। अभी टू टू क्लासेस हम लोगों ने दो क्लास ले लिया था, 2 दिन आगे ऐसे ही पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लासेस, तो 2 घंटे 2 घंटे कराते लगते हैं इसमें, इसको पूरा क्लियर करने में। तो इसको मीनिंग समझना है कि ये पांच छह दिख रहे हैं ना, पांच छह एक्चुअली दे आर डेमन्स, ये राक्षस है। और ये वैसा वर्ड है जो अश्वक्र करा, इन स्टेप, हर एक कदम कदम पे इसका यूज है। और दूसरी बात यह कि अभी तक मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, तो थोड़ा सा आवाज भारी लग रहा है, इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ रेगुलरली। पर मैं इसको वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके ना कि जो कंसिस्टेंसी हो बनी रहे, लगातार चलते रहे, आपकी प्रैक्टिस रुके ना। अच्छा लगा तो मैं लाइक शेयर शेयर कर दीजिएगा। यकीन मानिए, अगर ये वीडियो किसी बड़े चैनल में बना होता है ना, तो किसी पॉपुलर पे, तो अच्छे खासे शेयर होते हैं। अब मुझे आपसे यकीन है, आई एम श्योर, ठीक है, आज का मेरा वर्ड ही श्योर है, श्योर। इसको श्योर पढ़ते हैं, आई एम श्योर श्योर। कुछ लोग इसको श्योर पढ़ते, श्योर, आई एम श्योर, ऐसे पढ़ता, ठीक है। सो प्रोनाउंसिएशन का डाइवर्सिटी है इसमें, आप समझिएगा। इनको अगर मैं हिंदी लिखने चला तो शायद बोर्ड भर जाए इन पांच छह का हिंदी, तो बताइए मैं क्या करूं। इसका मतलब यही है, आप सुनिए समझिए। अगर आपको कोई मिनट वेस्ट होगा तो बोलिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आई एम श्योर। आई एम श्योर का जो हिंदी हम कह सकते हैं कुछ इस तरह, ऐसे मैं श्योर हूं, मतलब मैं निश्चिंत हूं, यानी कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, मतलब मुझे पूरा यकीन है, मुझे पक्का पता है, मुझे पूरा भरोसा है, पक्का यकीन है। देखिए सारे बोलो इसी हिंदी, मुझे पक्का यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है इंडिया विल विन, क्योंकि आज से इंडिया का मैच आज इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। और थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, तो थोड़ा सा की पेशेंस पेशेंस बना कर रखना है, ठीक है। आई एम श्योर मतलब मुझे पक्का पूरा भरोसा है, पक्का यकीन है, मुझे कोई शक नहीं है, मैं आश्वस्त हूं, आश्वस्त हूं, इसको हिंदी बोलते हैं। आई एम श्योर इंडिया विल विन, मतलब मुझे पक्का यकीन इंडिया जीतेगा। आई एम श्योर यू कैन डू इट, मुझे पक्का पता आप ये कर सकते, यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं। आई एम श्योर ही समन, मुझे पक्का पता है ना, मुझे पूरी से कोई संदेह नहीं, आई एम श्योर वो मन, अच्छा है, तो मुझे पक्का पता है, पूरा यकीन है, इस सेंस में आपको पत करना, यूज ओनली आई एम श्योर, आई एम श्योर, आई एम श्योर, प्लीज, और प्लीज अभी बाकी है, ठीक है। तो इस तरह का हमें करना, आई एम श्योर ही विल डेफिनेटली कम टूडे, मुझे पक्का पता है वो आज जरूर आएगा, डेफिनेटली कम टूडे। आई एम श्योर इट विल रेन, मुझे पक्का पता है बारिश होगी, हालांकि इस पे श्योर नहीं करना चाहिए, बारिश का क्या है, मे रेन और मे नॉट, हो भी सकती है और नहीं हो सकती है, यहां पे नहीं, जहां रहता था कोई शक ना, आई एम श्योर दिस इज न्यू, ये तो नया है। अब बात करता हूं, अगर आई एम नॉट श्योर, आई एम, अब नॉट लगे तो उल्टा हो गया, मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, यानी कि मुझे पक्का पता नहीं है, मुझे पूरा भरोसा नहीं है, आई एम नॉट श्योर, मतलब आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, मुझे इसके बारे में पक्का पता नहीं, पता तो है, आई नो अ लिटिल, थोड़ा बहुत, नॉट कंप्लीटली, इसका मतलब है ना कि आई एम अननोन, मैं अनजान हूं, इसका मतलब यह हुआ कि मुझे पता है बट नॉट कंप्लीटली, पूरी तरह नहीं, आई एम नॉट श्योर। देखिए मुझे पक्का पता नहीं है कि इंडिया विल विन, मतलब पक्का नहीं पता है कि मुझे पूरा भरोसा नहीं है, मतलब भरोसा, आई एम नॉट श्योर मतलब मुझे, मैं निश्चित नहीं हूं कि इंडिया जीतेगा, मतलब हो सकता है लेकिन आई एम नॉट श्योर इसके बारे में। आई एम नॉट श्योर कि ही इज अमन, मुझे पूरा श्योर नहीं कि वो अमन है, मतलब दिख तो रहा है कि अमन है,
नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर ही कैन डू इट, मुझे नहीं पूरा पूरा यकीन है कि वो इसे कर सकता है, वेरी फ्यू चांसेस, बहुत कम संभावना दिख रहा है मुझे. अब ये वाला, आर यू श्योर? आई श्योर. क्या तुम्हें पूरा यकीन है? क्या आप निश्चिंत हैं? क्या आपको पक्का पता है? क्या आपको कोई संदेह नहीं है? क्या आपको कोई शक नहीं है? यानी कि आर यू श्योर इंडिया विल विन, इंडिया जीतेगा? आई एम श्योर इंडिया विल डेफिनेटली विन, इंडिया जरूर जीतेगा. आर यू श्योर यू कैन डू इट? क्या आपको यकीन है कि आप इसे कर सकते हो? आप इनके बारे में बहुत सारे सेंटेंस जोड़ी, इतना ही थोड़ी होता. आर यू श्योर आप इसे कर सकते हो? यस आई एम श्योर आई कैन डू इट, आई हैव डन इट सेवरल टाइम्स, मैंने इसे कई बार किया है. अच्छा लगा तो लाइक शेयर करता रहिएगा. आर यू श्योर ही इज अमन? क्या आपको यकीन है कि वो अमन है? देख के देख के लगा. आर यू श्योर ही इज अमन? मतलब देख, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो अमन है? आर यू श्योर ही वाज अमन? आपको यकीन है वो अमन था? ही वाज अमन? आई एम श्योर, आई हैव सीन हिम सेवरल टाइम्स, मैं उसे कई बार मिला हूं और मैंने ओकेजन कई मौकों मिला उसे. सारे जो बोल रहा हूं सारे पढ़ाऊंगे, बिलीव मी, ट्रस्ट मी. बस आप थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि शेयर करते रहिए, अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा. और मुझे इंस्पिरेशन इंक्रेजमेंट कहां से मिलेगी? आपसे मिलेगी, फ्रॉम यू. अब ये वर्ड थोड़ा सा एक जिनको ज्यादा यकीन है, आई एम एब्सोल्युटली श्योर, आई एम absolutely sorry, मतलब कि मैं एकदम, you can say इसको एकदम, एकदम बिल्कुल, मुझे मैं एकदम निश्चिंत हूं, मुझे बिल्कुल पता, आई एम एब्सोल्युटली श्योर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. जैसे मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज फेस कर रहा हूं, हम लोग काफी फेस कर रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है. So, इसे मैंने कहा आपको कि एब्सोल्युटली इसको ऐड तब कर देना है जब आपको ये लगे आपको उस बातों पे या उस सिचुएशन पे, उस इवेंट पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है. आई एम एब्सोल्युटली श्योर, मतलब मुझे कोई शक ही नहीं है, मुझे एकदम पक्का पता है, इस बात पे मुझे पूरा यकीन है, इंडिया विल विन, इंडिया जीतेगा. यानी कि आपको इसका इसको कोई मिनिमम डिफरेंस नहीं है. फर्क यह कि अपने बातों पे आप इंफेसिस डाल रहे हो, दबाव डाल रहे हो, और कोई नहीं, इसका कुछ खास अपना खुद का मीनिंग कुछ खास नहीं है, ओनली इंफेसिस दबाव डाल रहे हो. आई एम एब्सोल्युटली श्योर, मतलब मुझे पक्का पता है, एकदम पक्का पता है, बिल्कुल ही पता है, एकदम शक का कोई नामो निशान नहीं है. देन वी से एब्सोल्युटली, मतलब मुझे एकदम पता है, इंडिया विल विन, ही वाज अमन, वो अमन था, एकदम, आई हैव नो डाउट, आई एम डाउटलेस, एकदम डाउट का नामो निशान ही नहीं है. अब बात करते हैं श्योर, एक वर्ड है पूरा सेंटेंस का कर सकता है. श्योर हिंदी क्या होता है? मैंने आपको शायद पता नहीं था, ओके ठीक है, देखकर लिखे हैं, जरूर, क्यों नहीं, हाँ, ये तब होता है, एक किसी ने आपसे रिक्वेस्ट किया, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई बोरो योर मोबाइल, Can I see your phone? मतलब क्या मैं आपका कलम देख सकता हूं, आपका फोन देख सकता हूं, आपका कलम ले सकता हूं? आप उस यस के बदले यू कैन से श्योर, जरूर, क्यों नहीं, जरूर, क्यों नहीं, व्हाई नॉट. तो आर यकीन मानिए, आप यस के बदले श्योर का प्रयोग करिए, एकदम आराम से करिए. ऐसा लोग करते हैं और एकदम हर जगह फॉर्मल इनफॉर्मल ये हर जगह चलता है. देयर इज नो प्रॉब्लम विथ दिस वर्ड. Can I spare you for a few minutes? Okay. Thanks. अगला बार ये How are you? So sure. अभी क्या? गला का नाम ये ठीक है. How are you? So sure. ये बहुत ज्यादा कॉमन. ये भी कॉमन उस बाल बाकी तरह. How are you? So sure. तुम्हें इतना कैसे यकीन है? Sure. आपको इतना कैसे यकीन है
इंडिया विल विन, इंडिया जीतेगा। ही वाज अमन, अमन था। तो इस तरह इसका प्रयोग तब करें, क्वेश्चन है बताते हैं हम लोग, हम क्वेश्चन है कि आपको इतना कैसे यकीन है, आपको आपको इतना कैसे विश्वास है, हाउ आर यू सो श्योर, इतना कैसे भरोसा कि यही जीतेगा, आपको इतना कैसे पता है, इससे लग रहा कि यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, आप एक भविष्य देखने वाले लग रहे हो, आपको सब कुछ पता है। आई नो इट वेरी वेल, आई नो दिस टीम वेरी वेल, मुझे इस टीम के बारे में बहुत कुछ पता है, इट हैज मेड अस प्राउड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये हमें कई मतलब काफी समय से हमें गर्व गर्व हमें महसूस करा रहा है, पता है मुझे। ओ आई एम श्योर कि आपको इतना कैसे पता है कि वो इतना कैसे श्योर है, हिमांशु आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी सालों से जानता हूं उसको। सो अगर आप अच्छा लगेगा तो इसको शेयर करते रहिए, और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई होगी मैं मानता हूं, अभी कंडीशन स्टेट ही मेरा ऐसा आई है। और इफ यू एनी क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं, कोई और आपको वर्ड जो आपको कुछ क्लियर मीनिंग आप समझ नहीं पा रहे हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं आपको भेज दूंगा, आपको मैं दे दूंगा, आपको बना के वीडियो बहुत ज्यादा वेरी वेरी सुन। और थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन इंकरेजमेंट कहां से मिलेगी, आपके शेयर से, लाइक से, सब्सक्राइबर्स से बढ़ते हैं तो मिलती है, तो अब मैं आपके लिए अच्छे से कोर्स आपको लाके मैं देता रहूंगा। सबसे रिक्वेस्ट है कि देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत में लाइक। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू वेरी मच।